हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। नाम है जिसका ललित नरेंद्र चैनल का। तो आपको आज ले चले हैं झीलमिल गुफा की तरफ, और जाते हुए रास्ता बहुत ही संकरा होया पड़ा है, फिसलना रास्ता है पड़ा। बारिश का मौसम था, इस वजह से रास्ते पे फिसलन है पड़ी। तो जो भी आए तो कृपा करके आराम से आए, ध्यान से आए, ड्राइव सेफली करे। आपको झीलमिल गुफा की तरफ ले जा रहा। झीलमिल गुफा का रास्ता है ना, वो नीलकंठ के मंदिर जाने से पहले आधा किलोमीटर पहले ही आ जाता है। आपको बता दूं मैं, कट आता है वहाँ पर, लिखा नहीं हुआ झीलमिल गुफा का। तो किसी होटल वाले से वगैरह पूछ के आप उस रास्ते पे चढ़ना, ताकि आपको दिक्कत ना होए। अरे आप रास्ता भटक जाओ तो गांव में भटक जाओगे, इसलिए। तो आगे दिखाते हैं आपको झीलमिल गुफा का नज़ारा वगैरह। ये देखो आप रास्ते को देख सकते हो, रास्ता बिल्कुल ही संकरा होया पड़ा है, फिसलन है पड़ी। बाइक दूसरे तीसरे गियर पे चल रही है तो भी फिसल रही है बाइक यहाँ पे। तो आप चल रहे हैं झीलमिल गुफा की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आज हम झीलमिल गुफा की तरफ जा रहे हैं। झीलमिल गुफा रहस्यमयी गुफाओं में से एक है। वैसे देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में ही हजारों रहस्यमयी और धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है पड़ा। इस कड़ी के अंदर मैं आपको आया हूँ, जहाँ पर जो रहस्य से भरी हुई है। यहाँ पर बाबा जी से पूछने पर बताया गया कि यहाँ पर नवरात्रों में ना एक तो शेर आता है, और दूसरा यह स्थान धार्मिक ऊर्जाओं से भरी हुई है और धार्मिक ऊर्जाओं का केंद्र है पड़ी। और यहाँ पर बाबा जी ने हमें यह बताया कि श्री सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने 66,000 मंत्रों को सिद्ध किया था। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम बादलों में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे की तरफ। तो दोनों तरफ खाई है। आप देख लो नीचे की तरफ, बिल्कुल ही बादल ही बादल है चारों तरफ। आप देख रहे होंगे हमें बाइक पर जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। रास्ते को आप देखकर अनुभव लगा सकते हैं कि किस तरह हम बहुत ही दिक्कतों का सामना कर झीलमिल गुफा की तरफ जा रहे हैं। झीलमिल गुफा जाते हुए हमें काफ़ी मशक्क़त सहनी पड़ी। तो दोस्तों हमने फैसला लिया बाइक यहीं पर ही रोकने की, वापिस उतारनी भी है कच्चे रास्ते से। बिल्कुल ही बारिश आ जाए तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। ये हमारे भाई कैथल से आए हैं हमारे को मिलने, ये हमारे बड़े भैया है अपने, ये हमारे साथ ही आए हैं इकट्ठे हम तीनों। कमेंट और भाई लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना भाई। झीलमिल गुफा का रास्ता बहुत ही सिंगल रोड है, तो कोशिश करो कि नीलगंज से आते वक्त आप पैदल ही आओ, बाइक पे ना ही आने की कोशिश करो। हम भी आके थोड़ा सा तंग जरूर हुए हैं, लेकिन पहुँचने ही वाले हैं। 6 किलोमीटर का रास्ता है पड़ा। 2 किलोमीटर पे पार्वती मैया का मंदिर है, 2 किलोमीटर पे गणेश भगवान जी का, और 2 किलोमीटर पे ही झीलमिल गुफा।
वीडियो में लगा हम दे फिर आप सामने देख रहे हैं व्यू कितना बहुत ही प्यारा लग रहा है और वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा और शांत वातावरण है। पड़ा के निकट पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर प्रसाद की दुकान भी खुली हुई है और चाय पानी की भी दुकान है पड़ी हुई। थकान उतारने के लिए चाय भी पी सकते हैं और थोड़ा सा फ्रेश होकर अपना मंदिर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लगभग मंदिर के नजदीक पहुंच चुके हैं। आपको दर्शन कराते हैं झीलमिल गुफा के श्री गुरु गोरखनाथ जी के। चलो चले वो गुरु को गोरखनाथ ने पता नहीं। हाँ गोरखनाथ जल्दी पावर जो होना है जो कि आप तो देखते हो गुरु गोरखनाथ ना बहुत साल तपस्या कर चुका है। किसकी शिव जी की और किसकी शिव जी लिख रहे ये चढ़ाई आप देख रही हो ये नीलकंठ महादेव की चढ़ाई से ही बहुत मजा बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। ये जो आप दुकान देख रहे हैं सामने ये 2-3 दुकानें आप आमने सामने बनी हुई है चाय पानी के लिए। वह मुंह हाथ धोकर प्रसाद लेकर मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल भी उतार सकते हैं और मुंह हाथ धोकर फिर आगे दर्शन के लिए रवाना होते हैं। बिल्कुल हम गुफा के सामने पहुँच चुके हैं। ये लास्ट दुकान है पड़ी गुफा से पहले जाने से पहले। दोस्तों हम झीलमिल गुफा में पहुंच चुके हैं। तकरीबन हमारे को 1.5 घंटा लग गया नीलकंठ से यहाँ पहुंचने में बाइक पे। कुछ रास्ता हमने बाइक द्वारा तय किया तो कुछ रास्ता हमने पैदल तय किया। जो आप सिद्ध बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं सामने अभी आपको दर्शन कराते हैं। ये बाबा जी खड़े रहकर तपस्या करते हैं, खड़े ही रहते हैं तपस्या करते हैं। खड़े बाबा जी कहा जाता है इनको। अरे आप गुफा गए और सिद्ध बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर दर्शन के लिए और चल पड़े। आप दर्शन कर रहे हैं झीलमिल गुफा में श्री गुरु गोरखनाथ जी की, जिन्होंने 66,000 मंत्रों का सिद्ध किया था। चिड़िया और यहाँ पर एक लिखा हुआ वाक्य भी लिखा हुआ, चिड़िया चोच भर ले गई नदी न कटे हो नीर, दान दिए धन न कटो कह गए फकीर।
अपने चिप में दूसरे इंजन दे। अच्छा यारे दर्शन कर का और चल लो जे बारिश आएगी नहीं। झिलमिल गुफा का मनोरम दृश्य। एकदम अलौकिक नजारा है यहाँ का और शांत वातावरण है बिल्कुल। आत्मा धन्य हो जाती है ऐसे ऐसे तीर्थ स्थानों पर आकर। पकड़ आधार कार्ड दे प्लेट दे चलो भाई। ना 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 फेसबुक पे वगैरह तो दोस्तों इस पार्ट में हमने आपको झिलमिल गुफा के दर्शन कराए। बहुत ही अलौकिक नजारा था और जिसमें आपने देखा वो दर्शन बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरु गोरखनाथ जी के। उसके बाद हम आपको आगे ले जाते हैं। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम वापसी नीचे ऋषिकेश की ओर चल पड़े। यही है यही है।